सॉल्व करके देख लेना घर पे, एक बार रिवाइज कर लेना। इन्हीं में से क्वेश्चंस होंगे आपके और कुछ अलग भी होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जब टेस्ट लेंगे तब। तो यहाँ पे पहला आया समझ में बेटा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला समझे आप, नोट करो जल्दी से आप फटाफट। इस प्रकार से इमेज बना लेना बगल में, इससे समझ में आ जाता है क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन की लेंथ देख करके ये नहीं सोचें कि ये नहीं आएगा, सोचो उसमें क्या दिया है निकालने के लिए। विचलन कोण, डेविएशन एंगल, देखिए नेक्स्ट सेकंड दिया गया है इसमें। सेकंड में लिखा है एक समतल दर्पण प्रकाश पुंज को परावर्तित करके एक प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण पर गिरने वाला प्रकाश पुंज होगा। अब वो क्या कर रहा है, एक समतल दर्पण को प्रकाश पुंज को परावर्तित करके, यानी प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके क्या कर रहा है, एक प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण पर गिरने वाला प्रकाश पुंज कैसा होगा, यानी जो लाइट रेज आएंगी वो कौन से वाले, जब इकट्ठी लाइट रेज आती हैं, जैसे ये वाला देखो आप, एक जगह ये प्रकाश की किरणें हैं और ये क्या है, दर्पण है। दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें इकट्ठी होती हैं एक जगह कैसी हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, कन्वर्जिंग, यानी प्रकाश पुंज एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो ये कौन से वाले प्रकाश किरणें रहती हैं, अभिसारी रहेंगी कि अपसारी, अभिसारी रहती हैं। अभिसारी का मतलब है कन्वर्जिंग रहेंगी कि डाइवर्जिंग, तो कन्वर्जिंग रहती हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, कन्वर्जिंग, यानी प्रकाश की किरणें जब एक पुंज में, पुंज का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना, तो इकट्ठा होने का मतलब क्या है, कन्वर्जिंग होना। कन्वर्जिंग यानी अभिसारित होना, क्या कहते हैं उसको, अभिसारित होना। तो एक जगह अभिसारी होंगी। नेक्स्ट देखो, एक समतल दर्पण 10 सेंटीमीटर की ओर से, एक समतल दर्पण ये यानी एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर आपकी ओर कितने सेंटीमीटर की चाल से आ रहा है, 10 सेंटीमीटर पर चाल से आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, 10 से, क्या चल रहा है इसमें, प्लेन मिरर चल रहा है। आप उसी जगह खड़े हो, प्लेन मिरर जब चल करके आए आपकी ओर, यानी दर्पण आपकी ओर चल करके आ रहा है, तब स्पीड कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो 10 का आंसर क्या होगा, 20 आंसर होगा इस वाले का। क्यों हुआ, क्योंकि देखो समझो, यहाँ पर ये मिरर क्या है, मूविंग कर रहा है, मिरर क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, चल रहा है, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह रेस्ट पोजीशन पर है, रखा हुआ है, ये वस्तु है। तो जब वस्तु रखी होती है और यू चाल से ये इधर की ओर आ रहा है, कितने से, यू से, तो इसका इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है, कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, 2u से, कितनी से, 2u, यानी u स्पीड से आएगा, तो डबल कर देना है बस, कितनी करेंगे, डबल। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से आपकी ओर चल करके आ रहा है, मिरर की स्पीड दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो इमेज की कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की, डबल हो जाती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लिखाया है ना ये वाली कंडीशन, एक कि जब प्रकाश की किरणें, यानी जब कोई भी दर्पण चल करके आता है तो वस्तु इमेज की चाल कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, 2u हो जाती है। अगला देखो, क्वेश्चन पढ़ो अगला, फोर्थ नंबर वाला, क्या लिखा हुआ है, एक विद्युत बल्ब है, चलो देखो ये लिखा हुआ है, अब सही दिख रहा होगा, और एक समतल दर्पण है, एक विद्युत बल्ब को दो समतल दर्पण कितने पर रखे हुए हैं, 60 पर, यानी दो दर्पण है, ये कितनी डिग्री पर हैं, 60 डिग्री पर रखे हुए हैं, और एक बल्ब के कितने इमेज बनाएंगे, जी यहाँ पे बल्ब है, एक एक बल्ब के कितने इमेज बनेंगे ये पूछा गया है, कितने डिग्री पर रखा है, 60 पर रखा है, तो एक बल्ब के इन दोनों के बीच में कितने इमेज बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज। तो यहाँ पे फॉर्मूला बताया था 360 बटे थीटा, नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालते हैं, 360 बटे थीटा, थीटा का मान कितना है, 60, 60 का भाग दे दो, 360 बटे 60,
कितना आ जाएगा? छह। यदि सम आए, इवन आए, तो एक माइनस कर देते हैं बेटा। छह माइनस एक कितना आ जाएगा? आंसर इज फाइव। कितना आंसर आ जाएगा? फाइव आ जाएगा। दो दर्पणों के बीच में एक क्या रखा गया है? बल्ब को रखा गया है। एक बल्ब को दो दर्पणों के बीच में रखा गया है, तो ये पूछा गया है इसके कितने इमेज बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये फॉर्मूला लिखवाया है, अगर सम आए तो एक माइनस करना है और विषम आ जाए तो वही वैल्यू रखते हैं। यानी आंसर हमेशा कुल मिला के किस में आना है? विषम में आना है, ऑड नंबर में आना है आंसर। नहीं है? हाँ, आंसर तो एक ही दिया है, ऑड बस, ऑड एक ही दिया है, सॉल्व भी नहीं करना था, बस एक ही विषम दिया हुआ है तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर फाइव, ठीक है। एक विषम आ जाए तो समझ लेना विषम वाला अपना आंसर होगा। देखें इसमें, नोट कर लिए जी। फिफ्थ वाला देखिए, एक थिकनेस वाला क्या है? प्लेन मिरर है, मोटा समतल दर्पण है, तो उसमें किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो कौन से नंबर का सबसे चमकीला दिखाई देता है? सेकंड वाला इमेज मैंने बताया था, कैसा दिखाई देगा? सबसे चमकीला दिखाई देगा, तो क्या हो जाता है ये? द्वितीय प्रतिबिंब। पढ़ो अब, तो क्या दिक्कत है? देखिए बेटा, यहां पर कहा गया है कि एक प्लेन मिरर है, कैसा है लेकिन वो मोटा है, एक प्लेन मिरर है, थिकनेस वाला है, तो इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, वस्तु है जी, कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इसके बहुत सारे इमेज बनते हैं बेटा, बहुत सारे इमेज बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो दूसरे नंबर का इमेज होगा वो सबसे चमकीला दिखाई देता है, ब्राइटनेस वाला दिखाई देगा। सेकेंड वाला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका पूरा जो फोकस होता है वो सेकेंड वाले पर आता है। कौन से पर? सेकेंड वाले पर। इसलिए पूछा जाए कौन सा वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देगा, तो सेकेंड वाला प्रतिबिंब। ठीक है, आया ना समझ में जी? अब इसमें बहुत सारी चीजें घुमा दी हैं। सिक्स नंबर की में देखो आप, एक आदमी 180 सेंटीमीटर का है, उसकी आंखें उसके सिर की चोटी से 10 सेंटीमीटर नीचे हैं। ये वाली आंखें कहाँ तक दे दी हैं? 10 सेंटीमीटर नीचे। तो आंखें तो वहीं पे होती हैं, सभी जगह 10 सेंटीमीटर हो या एक आध सेंटीमीटर का अंतर आ जाए, तो वो अपनी पूरी ऊंचाई को देखना चाहता है मिरर में, तो आधी हाइट का क्या लेना पड़ेगा उसे? मिरर 180 है तो 180 का आधा 90। किसी मनुष्य को अगर अपनी पूरी हाइट देखनी हो तो उसे अपनी आधी हाइट का मिरर उपयोग में लाना चाहिए, तो वो क्या है, पूरा अपना इमेज देख सकता है उसमें। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 90। वो तो वैसे ही लिखा है फालतू में, और चीजें तो बाकी का, आदमी की हाइट देखनी है और दर्पण की ऊंचाई निकालनी है, दर्पण की ऊंचाई बराबर क्या होता है? 1/2 यहाँ पे आदमी की ऊंचाई, जो भी मैंने उसकी ऊंचाई, उसकी याद ही कर देना है बस ऊंचाई का, तो 1/2 इंटू 180, दो से ये कैंसिल हो जाएगा 90, तो कितना आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर। आया समझ में जी? अपनी आधी हाइट का क्या लेना चाहिए उसे? मिरर उपयोग में लाना चाहिए। अगला लिखा है देखो, 7 नंबर पे, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री से आपतित होती है तो विचलन कोण पूछा है, डेविएशन एंगल पूछा गया, इंसिडेंट एंगल दिया गया है, तब ये इंसिडेंट एंगल है 30 और डेविएशन पूछा गया है, तो डेविएशन डेल्टा बराबर क्या होता है? 180 माइनस 2i, आई का मान दिया गया, एंगल आई कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है, घटा दो 30 का डबल कर दो 60, 180 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा? 120। आंसर इज 120। आया विचलन कोण निकालने वाले? किसी को डाउट हो डेविएशन एंगल निकालने में, बोले
इसमें सिंगल रिफ्लेक्शन है बेटा, एक समतल दर्पण और उसमें दो दर्पणों को 60 डिग्री पे रखा था, इसलिए ऐसे ही आएंगे जा मैं तो बस, है ना। अब वही तो है, ये समझ लें तो फिर क्या है। चलो कोई बात नहीं, समझो आप। समतल दर्पण एक किरण पर, एक किरण अविलंबवत आपतित होती है, परपेंडिकुलर आती है, नॉर्मल से आती है। ये पूछा गया है किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण कितने से आ रही है, 90 डिग्री से आ रही है। तो इस समय आप परावर्तन कोण कितना होगा, रिफ्लेक्शन एंगल और ये वाला एंगल पूछा गया है। तो देखो, जब कोई प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी आती है तो सीधी ही वापस लौट जाएगी, रिफ्लेक्टेड होकर क्या होगी, वापस लौट जाएगी। तो इस समय आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होता है। कोई भी पूछ ले वो, यहाँ पे परावर्तन कोण पूछा है यानी रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल पूछा है बेटा, ठीक है। कौन सा एंगल पूछा गया है, रिफ्लेक्टेड एंगल। जब कहाँ से आ रही है, अविलंबवत यानी नॉर्मल से आ रही है। आया समझ में जी। तो इस समय आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। ये ऑप्शन लिखे हैं 0, 90, परावर्तित नहीं होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखिए, परस्पर तीन समतल दर्पण, एक किरण परावर्तित होती है तो आपतित तथा परावर्तित किरणों के बीच में कोण कितना होगा। तीन लंबवत रखे हैं, देखो एक दर्पण, दूसरा दर्पण और इसके भी लंबवत तीसरा दर्पण। तो ये पूछा गया है, ये पूछा गया है यहां पर आपतित तथा परावर्तित किरणों के बीच में कोण कितना होगा। देखिए ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, रिफ्लेक्टेड इससे होंगी, ऐसे आई, इधर से आई, ये इधर से। तो ये पूछा गया इन किरणों के बीच में कोण कितना होगा। आपतित किरण ये वाली होती है इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रेज ये वाली होगी, और ये क्या है, परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये वाली है। तो इन दोनों के बीच में कोण पूछा गया है कितने डिग्री का होगा ये वाला। तो हमेशा ये वाला डिग्री कितने का होता है, 90 का होता है। कितने का बनता है, 90 का। दोनों परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 का। कितने का बना रही है, 90 का, ठीक है। आंसर क्या आएगा, हमेशा 90 आएगा अगर तीन दर्पण ऐसे रखे हैं तो। समझे नहीं, क्या पूछा है वो उसको समझो, डेविएशन एंगल नहीं पूछा है, ओनली क्या पूछा है, यहां से जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण कितने का होगा, ये वाला। एक ही पूछा है बस, दोनों किरणों के बीच में पूछा है, रेज के बीच में, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल। हाँ बोलो, तीन वाला नहीं बताया मैंने, बता तो रहा हूं, तीन दर्पणों को रखा गया है 90-90 पर। लंबवत का मतलब होता है 90 पर रखा जाना, और जब लंबवत होता है चारों में तो अंदर जाएगी नहीं प्रकाश की किरणें, चार अगर रख दें बंद कर दें, चारों साइड से पॉलिश है तो पॉलिश होगी तो बाहर से कहाँ जाएंगी प्रकाश की किरणें, तीन तीन रखी हैं। तो ये प्रकाश की किरणों के बीच में कोण कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। ये दोनों के बीच में कोण पूछा है बस, ये वाले बस, ओनली ये इन दोनों किरणों के बीच में, ये वाला भी 90 है, ये भी 90 का बनेगा, तो इसलिए आंसर कितने का आता है, 90 का ही आएगा ये वाला। तीन तीन दर्पण रखे गए हैं, तीन मिरर हैं, तीनों के बीच में कोण बताना है कि इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच में कोण कितने का बनेगा। तो ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित, तो दोनों के बीच में कितने का बनेगा, 90 का। ऑप्शन ही, क्वेश्चन ही हट गया। ऊपर सर, ऊपर है।
ये वाले हैं, देखो इधर, ये 10 नंबर का देखिए, दो समतल दर्पण परस्पर समकोण बनाते हैं। बेटा समकोण का मतलब होता है राइट एंगल, दो समकोण पर रखे गए हैं दो मिरर, और इनके बीच में एक आदमी उनके बीच दाहिना खड़ा होकर दाहिने हाथ से अपने हाथ संभाला है, किसी से भी हाथ से भी संभाले बाल, उससे कोई मतलब नहीं है, उसके कितने इमेज बनेंगे। अच्छा दाहिने हाथ का प्रयोग करता है तो प्रतिबिंबों में वह अपना दाहिना हाथ प्रयोग करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा अलग पूछा है क्वेश्चन, राइट एंगल पूछा है, राइट एंगल क्या होता है, देखो दाहिना होता है राइट, राइट एंड। अगर कोई व्यक्ति पहले तो नंबर ऑफ इमेज बताओ कितने आएंगे, प्रतिबिंबों की संख्या 90 पैर कितने आते हैं, एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है और अपने बाल संवार रहा है, ठीक है ये है ना, तो इसके इमेज पहले नंबर ऑफ इमेज बताओ कितने बनेंगे, एन का मान तो 360 बटे 90 कितना आ जाएगा, चार, चार में से एक माइनस कर देंगे, तीन इमेज बनेंगे, कितने बनेंगे तीन, तो उसमें कौन से ये लिखा है, एक आदमी अपने उनके बीच खड़ा होकर दाहिने हाथ से अपने बाल संवारता है, राइट एंड का उपयोग करता है, ठीक है, तो कितने प्रतिबिंबों में वह अपना दाहिना हाथ प्रयोग करता हुआ दिखाई देगा। तो पहले में ही, जैसे पहले में क्या बनेगा, दाहिना हाथ यूज कर रहा होगा तो राइट का क्या दिखेगा, लेफ्ट, एक इमेज, देखो तीन इमेज बन रहे हैं तो तीन इमेज में क्या होगा, एक दो तीन, तो पहले राइट एंड से सवाल रहा है तो कौन सा दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, और लेफ्ट का दूसरे वाले में इमेज कैसा दिखेगा, राइट, फिर राइट का, तो तीन प्रकार की कंडीशन बन सकती हैं, तीन प्रकार के, यानी दो मिरर जब आपस में 90 डिग्री पर रखे होंगे तो इस वाले का इमेज जैसे दाहिने हाथ से जो सवार रहा होगा तो इसमें लेफ्ट बनेगा इसका, और इस वाले में भी लेफ्ट बनेगा, बस एक कंडीशन दोनों की जो कॉमन होगी उसमें कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, राइट एंड दिखाई देगा उसका, यानी सीधा दिखाई देगा। इन दोनों के भी बीच में बनेगा, एक क्या है, दो दर्पण जब आते हैं तो दोनों दर्पणों के बीच में लाइट रेज क्या होती हैं, रिफ्लेक्टेड होती हैं। जैसे आपने नाई की दुकान पे देखे हो पीछे के इमेज कैसे बनते चले जाते हैं, अगर दो को 90 डिग्री पर रखें तो इधर वाले में इधर वाली साइड का पीछे का दिखाई देता है, तो वो क्या है, एक में सीधा बनता है और दो कंडीशन में लेफ्ट एंड बनेगा, तो इसलिए कितने में राइट एंड दिखाई देगा, ओनली एक कंडीशन में क्या दिखाई देगा, राइट एंड आता हुआ दिखाई देगा, सीधा हाथ आता हुआ दिखाई देगा इस वाली कंडीशन में। देखो एक मनुष्य के पहले तो 90 डिग्री के बीच में कितने कौन कितने इमेज बन रहे हैं ये बताओ आप, तीन, तो तीन का ऐसे ध्यान रखो कि इस वाले में अगर राइट एंड से वो बाल संवारता है तो हमेशा उल्टा दिखाई देता है, पार्श्व व्युत्क्रमण होता है, अगर आप सीधा हाथ उठाएंगे तो उसमें लेफ्ट दिखाई देगा, तो दो इमेज में तो सीधा लेफ्ट दिखाई देगा और एक इमेज में कैसा दिखाई देगा, बस ओनली सीधा, कैसे, जैसे पहले में लेफ्ट दिखाई दिया तो लेफ्ट का दूसरा कौन सा दिखाई देगा, इमेज का, इमेज में बनते हैं हमेशा अंदर, इमेज के इमेज में बनते हैं अंदर, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, फिर राइट का लेफ्ट, इस तरीके से अल्टरनेटिव बनते जाते हैं, तो यहां पर पहला लेफ्ट क्योंकि राइट से शुरुआत की है उसने, तो लेफ्ट आएगा फिर राइट फिर लेफ्ट, कितने बन रहे थे इमेज, तीन, तीन की कंडीशन लिखनी है, राइट कितने में बन रहा है, एक में, राइट कितने में बन रहा है, एक में, हाँ तीन लिख लेना, लेफ्ट राइट और लेफ्ट, तो एक में राइट दिखाई देगा उस वाले का, एक था, चलो एक नहीं आया कोई बात नहीं, अगले समझ लो, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते। ये वाला समझो आप कि एक समतल दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमा दिया जाए, एक प्लेन मिरर है, अगर इसे थीटा कोण से घुमा दें
आपने देखा होगा घरों पे जब करते हैं तो ये प्रकाश की किरणें कितने डिग्री से आपतित होती हैं, ये लिखाया है मैंने 2 थीटा से हो जाती हैं। तो ये पूछ रहा है इस समय इमेज पर क्या अंतर आएगा, तो मैंने लिखाया था कि जब प्रकाश की किरणें 2 थीटा से घूम जाएं तो इमेज पर कोई भी अंतर नहीं आता है, उतना ही रहेगा। प्रकाश किरणों से इमेज पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन पावर। तो एम का मान क्या होता है, आई अपॉन ओ, वो बताया था जी वाला, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता का मान कितना होता है, एक नहीं बताया, ये दोनों बराबर बनते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट, प्लस का वन होता है क्योंकि इसमें इमेज हमेशा सीधा बनता है, सीधा बने तो समझ लेना प्लस का वन, उल्टा बने तो माइनस का वन। ये लिखाया है बेटा समतल दर्पण के लिए एक होता है, अच्छा उत्तल के लिए कितना होता है तो बताओ, एक से कम होता है, ऐसे मुंह फेर रहे हो जैसे कुछ अलग पूछ लिया हो, एक से कम होता है पर जीरो नहीं होता है, ये सही है। और इसके अलावा कॉनकेव मिरर का पूछा जाए अवतल दर्पण की, तो एक भी होता है, एक से कम भी होता है, एक से ज्यादा भी होता है, तीनों मान लिखाए थे मैंने ये। तो प्लेन मिरर के लिए हमेशा एक आंसर है, प्लेन मिरर के लिए कितना होता है, एक। एक घड़ी में वास्तविक समय कितना हो रहा है, 3:25 हो रहे हैं, तो ये पूछा जा रहा है इसमें समतल दर्पण में देखा जाए तो समय क्या दिखाई देगा, ऐसे कैसे दिखाई दे जाएगा, ऐसे घड़ी है जी, इस घड़ी में क्या बज रहा है, 3:25 हो रहा है, ये 3 और यहाँ पे ये 6, 5, 4, ये वाला है कितना हो रहा है, 3:25, ये वाला दिखाई देगा। तो इसको अगर दर्पण में देखें तो कैसा लगेगा, कितना टाइम बज रहा होगा, 8:25। तो एक इसका तरीका होता है, इसका तरीका क्या है, 11:60 में से घटा दो, जो भी नंबर दिया जाए, जो भी समय दिया जाए उसको कितने में से घटा देते हैं, 11:60 में से, तो ये 3:25 को घटा दो, 35 कितना हो रहा होगा, 8:35। 11:60 को ध्यान रखना है, 12 घंटे होते हैं कि नहीं, तो 11:60 का मतलब क्या है, 12 ही लिखा है वो, 11 घंटे 60 मिनट मतलब 12। ध्यान रखो इसमें कैसा रखना है, हमेशा 11:60 में से घटाना है। और किसी के मन में कोई डाउट, टाइम ऐसा ही लिखा होता है हमेशा, 24 घंटे का फॉर्मेट नहीं देखा कभी, अगर 24 में आ जाए तो 23:60 में से घटाते हैं, ध्यान रखना अगर 24 घंटे का फॉर्मेट आ जाए, जैसे स्टेशन वगैरह पे प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे टाइम कैसा बजता है, 13 बज जाते हैं, 14 बज जाते हैं, 15 होते हैं, तो उनमें जब आ जाए तो क्या करना है, 23:60 में से घटाना है। जैसे उसने कहा 15 बज करके कोई भी मिनट हो रही हो, 55 मिनट हो रही हैं, तो मतलब वो इसका अपोजिट कैसा दिखाई देगा दर्पण में, तो ये कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। जब 24 घंटे का फॉर्मेट आए तो 23:60 में से घटाना है, और जब 12 घंटे का फॉर्मेट आए तब 11:60 में से घटाना है। अरे यार 13 से ऊपर जब भी आने लगे, 12 से ऊपर तो 24 का है। देखो बेटा इसमें क्या है, समतल दर्पण अपनी जगह पे खड़ा है, वस्तु उसकी ओर चल करके आ रही है, कितने से, 6 सेंटीमीटर की स्पीड से,
तो रिलेटिव पूछा गया है सापेक्ष। सापेक्ष जब भी आ जाए वर्ड तो डबल करना है स्पीड। रिलेटिव डेंसिटी बताई थी आपको। रिलेटिव में पूछा जाए वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, तो एक तो वस्तु की भी रहती है प्लस प्रतिबिंब की भी रहती है, तो कितनी हो जाती है डबल। और अगर सापेक्ष नहीं आए तो छह लिखा है तो छह ही आंसर होता। अगर क्वेश्चन में सापेक्ष नहीं लिख करके आए, रिलेटिव नहीं लिख के आए, तो आंसर छह का छह ही होगा। कब? जब वस्तु चल रही हो, मिरर अपनी जगह खड़ा हो, स्थिर हो। यहाँ पे जी कब के लिए रेस्ट पोजीशन में हो, लेकिन ये सापेक्ष वर्ड आ गया है तो सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव का कि इसमें हमेशा दुगुना होती है स्पीड। तो छह का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगला देखो ये वाला। 15 सेंटीमीटर की चाल से एक दर्पण की ओर चल रहा है, दौड़ता है। एक मिरर की ओर आदमी दौड़ करके आ रहा है, तो प्रतिबिंब की चाल क्या होगी? कोई सापेक्ष वगैरह कुछ तो नहीं है, रिलेटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 15 का दोनों में अंतर आ गया। समझ में जी? क्वेश्चनों में आप बोल रहे थे उस टाइम पे जब समझाया था तब कि ये सर कैसे इसमें देखेंगे सापेक्ष और सिंपल वाले को, तो इस तरीके से आते हैं दोनों क्वेश्चन। इसमें ये सिंपल वाला है जिसमें सापेक्ष नहीं आया है, और इस वाले में रिलेटिव में पूछा है। ये प्रेक्षक यानी क्या होती है? प्रेक्षक ऑब्जेक्ट है, वस्तु के सापेक्ष पूछा है। आ गया? ये देखिए, हाँ बेटा, नहीं आ रहे नेटवर्क तो भाई बंद कर लो। इधर इसको पढ़ लो, ये वाला बताओ क्या होगा इसका आंसर। खड़े हो जाओ, रुक जाओ, बोलो कितना होगा इसका बेटा। पढ़ लो अच्छे से, रुक जाओ बेटा, बात नहीं करो, पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन को, और आपको ही बताना है। अरे रुक जाओ बेटा, उसको बोलने दो। एक कैसे? बिना पतो बैठ जाओ। देखो वस्तु रखी है, यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, और ये 0.5 पर रखी है बेटा वस्तु, इतनी दूरी पर रखी है। तो जब समतल दर्पण में देखते हैं तो उतनी दूरी पर क्या बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? अगर ये पूछता है कितनी दूर पर प्रतिबिंब बनेगा तो आंसर क्या होता? 0.5। लेकिन उसने क्या पूछ लिया है? वस्तु एवं इमेज के बीच की दूरी, वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो 0.5 प्लस 0.5 दोनों जुड़ जाएंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। अविलंब बिंदु है, अविलंब कुछ नहीं होता है, अविलंब नहीं है बेटा। इमेज में जब आप दर्पण में देखेंगे तो कोई अविलंब दिखाई नहीं देगा, आप दिखोगे उसमें आपका इमेज दिखेगा, है ना, और कुछ नहीं दिखाई देता है, ना तो अविलंब, ना ग्लास, ना दर्पण। क्या? चलिए, 1 मीटर आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन को समझो फिर आंसर दो। दोनों के बीच की दूरी पूछी है, अकेला ऐसा नहीं, अकेले इस वाले की दूरी नहीं पूछी है, यहाँ तक पूछी है। देखो सापेक्ष आ गया है, रिलेटिव रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है? डबल। अगला बताओ। चलो क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे तो कहाँ है, ये वाला बताओ। बताओ इसका। 2 दर्पण 72 डिग्री पर रखे हैं, 2 मिरर कितने पर हैं? 72 पर हैं। 5 आंसर है, कैसे? ये वाला बताओ।
72 पर रखे गए हैं दोनों, तो 360 में कितने का भाग देंगे? 72 का, पांच बार जाता है तो पांच ही आंसर होगा, विषम है तो विषम ही रहता है। इस वाले में देखेंगे तीन बनने चाहिए, कितने प्रतिबिंब बन रहा है? तीन। तो तीन जब बने तो इस तरीके से फॉर्मूला रखना है जी, एन बराबर 360 बटे थीटा माइनस वन, ये वाला लगता है बेटा इसमें फॉर्मूला। जब इमेज की वैल्यू दी जाए तब, प्रतिबिंबों की संख्या दी जाएगी तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एन का मान दिया हुआ है, कितना है? तीन। एक को इधर लाओ या एक और बार लिख लो, इसमें थीटा का मान निकालना है बेटा, उल्टा पूछा है ये क्वेश्चन। तीन प्लस एक कितना हो जाएगा बेटा? चार बराबर 360 प्लस थीटा, थीटा इधर आ जाएगा, चार नीचे ले आओ तो 360 बटे चार, तो कितना आ जाएगा ये? 90। तो आंसर इज 90 आ जाएगा। कितने एंगल पर रखे होंगे दोनों दर्पण? 90 पे। देखो वैसे भी आप करके देख लो, 90 पर जब भाग देते हैं, 360 में जब 90 का भाग देंगे बेटा तो चार आएंगे, तो चार कैसा है? सम है, तो हमें कैसा लाना है? एक कम कर देते हैं तो तीन कौन से पर मिलेंगे? 90 पे मिलेंगे, और किसी पर भी नहीं मिलेंगे। देखो आप ठीक है, देखो अपनी हाइट देख लेने के लिए एक मनुष्य को कितनी ऊंचाई का दर्पण लेना पड़ता है, तो H के लिए क्या हो जाएगा? H अपॉन टू आया गया जीरा, H अपॉन टू आ जाए। एक मनुष्य की ऊंचाई H मीटर है, तो उसे अपनी पूरी ऊंचाई देखने के लिए कितनी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना चाहिए? अच्छा 45 पर झुके हैं तब प्रतिबिंबों की संख्या 7 बनेगी, क्योंकि 8 बार भाग जाएगा 360 बटे 45, तो ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 1 7, नंबर ऑफ इमेज कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। एक एक दर्पण है, उस पर प्रकाश की किरणें कितनी डिग्री से आपतित हो रही हैं? थीटा से। अगर उन्हें थीटा से घुमा दिया जाता है तो प्रकाश किरणें, परावर्तित किरणें कितने डिग्री से घूम जाती हैं? 2 थीटा से। इसलिए आंसर कितना है इसका? 2 थीटा है। क्या वो पनडुब्बी पे लगा करके दे दिया है क्वेश्चन? बाकी का ये ध्यान रखो कि दर्पण अगर थीटा से घूम रहा है तो परावर्तित किरणें कितने से घूम जाती हैं? 2 थीटा से। हाँ बोलो। पुंज होता है प्रकाश किरणें जहां पर आती हैं, जैसे प्रकाश किरणें इकट्ठा एक तो आती नहीं है, बहुत सारी आती हैं इकट्ठी होकर के, तो उन्हें क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं। जैसे गांव में देखा होगा किसी भी एक मटेरियल का एक पूरा बांध देते हैं, पूरा तो सुना होगा, वही है पुंज, वही होता है। हाँ गेहूं का, बाजरे का हो, उसे क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं पूरा। अगला है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है बेटा, प्लेन मिरर की अगर फोकल लेंथ पूछी जाए अनंत होती है। प्लेन मिरर की अनंत हो जाती है बेटा। थोड़े से कर लो बस।